पिछले ट्यूटोरियल में हमने अपना बेस करेक्शन किया और शॉट टू शॉट मैचिंग के साथ अपनी क्लिप्स एंड इंटायर सीन को एक साथ ग्रुप में किया। अब हम कलर ग्रेडिंग के फन पार्ट पर जाने के लिए तैयार हैं और वह है लुक बिल्डिंग स्टेज। नाउ कीप इन माइंड कि यह ट्यूटोरियल वास्तव में लुक क्रिएट करने की तुलना में लुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में अधिक है। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन टू हाउ टू क्रिएट लुक्स, बट फॉर नाउ मैं सिर्फ कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो को सर्कल में लाना चाहता हूँ ताकि आप इंटायर प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर सके। एक हाइपोथेटिकल लुक जिसे हम यहाँ अपना सकते हैं वह एक कंट्रास्टी लुक है जो कूल शैडो एंड वार्म हाइलाइट्स की विशेषता है, लेकिन आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लुक डायरेक्शन के साथ जा सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप एक्सपेरिमेंट करें, बट इफ यू वांट टू फॉलो अलोंग विद मी तो आइए अपने प्लेहेड को हीरो शॉट के ऊपर रखें एंड क्लिक ऑन द एडजस्टमेंट लेयर। आइए बेसिक करेक्शन पैनल में कंट्रास्ट इंक्रीज करके शुरुआत करें। मैं कंट्रास्ट कंट्रोल को राइट की ओर खींचूंगा, फिर मैं कुछ कलर ऐड करने के लिए कर्व पैनल में जाऊंगा। मैं रेड चैनल में इस तरह से एस कर्व बनाने जा रहा हूं जिससे अंडरटोन में सियान और ओवरटोन में रेड ऐड हो जाए। फिर मैं ग्रीन चैनल के साथ एक वेरी सटल एस कर्व बनाऊंगा जिसमें ओवरटोन में ग्रीन ऐड किया जाएगा और अंडरटोन में घटाया जाएगा। द हाइलाइट्स आर लुकिंग ए लिटिल टू कूल, सो आई विल ड्रैग डाउन ऑन द टॉप पॉइंट फॉर द ब्लू चैनल। लास्टली मैं चाहूंगा कि सबसे गहरी शैडो कलर में न्यूट्रल हो, इसलिए मैं रेड चैनल के बॉटम पॉइंट को थोड़ा ऊपर उठाऊंगा। आई थिंक द लुक इज रेडी फॉर प्राइम टाइम बट इट्स डेफिनेटली टू स्ट्रॉन्ग, इसलिए इफेक्ट कंट्रोल पैनल में ओपेसिटी कंट्रोल का उपयोग करके ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको हमारे द्वारा की गई करेक्शन के बिफोर एंड आफ्टर दिखाने के लिए लुमेट्री कलर लेयर के आगे इफेक्ट बटन पर क्लिक करूंगा। मैं टाइमलाइन को वापस चलाने जा रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंपैरिजन देखते हुए चलेंगे। समथिंग कैन बी डन विदाउट डिफिकल्टी और डिले। अब हमें बस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। आई विल गो अप टू फाइल, एक्सपोर्ट, देन मीडिया। फॉर द बेस्ट क्वालिटी HD आउटपुट मैं फॉर्मेट को क्यूब टाइम और कोडेक को एप्पल प्रोरेज 422 पर सेट करूंगा। बी श्योर टू चेक द मैच सोर्स बटन टू मैच द सीक्वेंस सेटिंग। फिर आउटपुट नेम पर क्लिक करें और हमारी वीडियो फाइल के लिए एक नाम और लोकेशन सेलेक्ट करें। कॉल इट सीन 12 ग्रेडेड। आई विल चूज ए डेस्कटॉप एंड क्लिक सेव। वेल, आई होप कि आपने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखने में सफल रहे होंगे। ग्रेडिंग एन इंटायर सीन इज ए रियल चैलेंज, बट होपफुली कि आपने कुछ टेक्निक सीख ली है जो आपके कलर ग्रेडिंग वर्कफ्लो को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे देखना न भूले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।